नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत पांडलेचा जैन, ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जैन स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल जो कि भरत पांडलेचा जैन के नाम से ओपन किया है, तो और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह का अलग अलग 12 भावों में क्या फल होता है और मंगल ग्रह का रत्न जो होता है कोरल अर्थात मूंगा, वो कब पहना जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, मीन्स यह धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में मंगल 5वें और 12वें स्थान का स्वामी होता है। पंचम भाव यानी कि संतान का भाव और हायर एजुकेशन का भाव और पूर्व पुण्य का भाव और 12वां हाउस यानी कि खर्च का स्थान, विदेश यात्रा का स्थान। तो यहाँ पर लग्नेश जो गुरु है, गुरु देवता ने मंगल देवता को पंचमेश भी बनाया और यहाँ पर व्ययेश भी बनाया। तो यदि मंगल धनु राशि में लग्न में ही बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत टेक्निकल माइंड का होता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और कोई भी वो बात करने में उसका जो प्रेजेंटेशन वो अच्छा रहता है और हमेशा कानून कायदा का जानकार होता है और कानून कायदे के हिसाब से वो चलता है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो उसका रत्न कोरल पहना जा सकता है। और एक बात बता दूँ मैं कि कोरल जो है वो सोने में या तांबे में पहना जा सकता है। सोने में जिनको नहीं जमता है वो तांबे में बना सकते हैं, उल्टा सोने से भी ज़्यादा तांबे में वो मूंगा अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर मंगल आने से मंगल का रत्न पहना जा सकता है। और मंगल के बारे में दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि आपने कई बार सुना होगा कि कुंडली मांगलिक है तो मंगल वाली ही लड़की चाहिए या लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए, तो पूरा वैसा नहीं है। जब मंगल लग्न में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में यदि मंगल बैठता है तो यह मंगल दोष की कुंडली कहलाती है। लेकिन मंगल दोष सभी सेम नहीं होते हैं, तो कई बार उसका इफेक्टिव भी नहीं के बराबर भी होता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो सिर्फ मंगल आ गया इसका मतलब बड़ा मंगली दोष है ऐसा ना समझे। तो लग्न में मंगल यदि बैठता है तो यहाँ पर मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। और यदि मंगल दूसरे हाउस में मकर राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पर धन संचय के लिए बहुत अच्छा योग है, धन संचय होगा, व्यक्ति की वाणी में बड़ा ओज होगा, व्यक्ति की वाणी और बुद्धि इनके माध्यम से व्यक्ति बहुत अच्छा लाइफ में प्रोग्रेस करेगा, पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर कुटुंब के लिए अच्छा है, वाणी के लिए भी अच्छा है और धन संचय के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो यहाँ पर भी मंगल का रत्न कोरल पहना जा सकता है। यदि मंगल 3rd हाउस में कुंभ राशि में आ जाए, 3rd हाउस में आया हुआ कोई भी ग्रह का रत्न हमें नहीं पहनना है, बिकॉज यहाँ पर व्यक्ति की मेहनत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यदि मंगल का रत्न पहना जाएगा तो मेहनत और बढ़ जाएगी, इसके लिए यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो उसका रत्न नहीं पहनना है। यहाँ पर फिर अगर मंगल आ गया तो छोटे भाई बहनों से भी नहीं बनेगा और छोटी मोटी यात्राएं भी होगी, उससे भी उसको फल नहीं मिलेगा। यदि मंगल 4th हाउस में मीन राशि में आ जाए तो यहाँ पर मंगल नहीं पहनना है, बिकॉज मंगल यहाँ पर पंचमेश होकर अपने से 12 होकर 4th हाउस में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, एजुकेशन जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी नहीं होगी, और क्योंकि मंगल यहाँ पर 12वें हाउस का भी स्वामी है और 5वें हाउस का भी स्वामी है, तो 12वें हाउस यानी कि खर्च का स्थान तो है ही, लेकिन मंगल यहाँ पर जब पंचमेश होकर अपनी राशि से 12वां होकर 4th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन पूरी नहीं होती है। यदि मंगल पंचम भाव में आ जाए तो यहाँ पर मंगल स्वराशि का हो जाता है, यहाँ पर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है, व्यक्ति का संतान से भी अच्छा बनेगा और संतान पढ़ने में भी होशियार होगा। तो यहाँ पर यदि स्वराशि का मंगल आता है तो मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है।
यदि मंगल सिक्स्थ हाउस में आ जाए, सिक्स्थ हाउस मीन्स रोग, चोट, दुर्घटना, कर्जा इत्यादि का स्थान होता है, तो यहाँ पर यदि मंगल आता है तो मंगल का रत्न मूंगा बिल्कुल नहीं पहनना है। तो यहाँ पर मंगल आने से व्यक्ति की ये पंचम भाव की भी हानि करेगा और 12वें हाउस की भी हानि करेगा। तो और शिक्षा में भी अनेक प्रकार की अड़चन आएगी, शिक्षा पूरी जल्दी होगी ही नहीं। तो यहाँ पर मंगल यदि बैठता है तो मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना है। यदि मंगल सेवंथ हाउस में आ जाए तो यहाँ पर पंचमेश का सेवंथ हाउस में जाना, और यदि सप्तमेश भी पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर लव मैरिज का योग बन जाता है। और विशेष रूप से गुरु या शुक्र का भी कोई पंचम भाव और सप्तम भाव से कोई संबंध हो तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए सप्तम हाउस यानी कि प्रेजेंटेशन का स्थान होता है, पब्लिसिटी का स्थान होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में जाता है तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर वाइक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। यदि मंगल अष्टम भाव में कर्क राशि में आ जाए तो यहाँ पर मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर यह पंचम भाव की भी हानि करेगा और 12वें हाउस की भी हानि करेगा। पंचम हाउस यानी कि संतान से नहीं बनेगा और व्यक्ति की खुद की हायर एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, और हर काम में व्यवधान आएंगे, हर काम में अड़चन आएगी, कोई काम व्यक्ति का जल्दी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मंगल आने से मंगल का जो रत्न मूंगा नहीं पहनना है। तो यहाँ पर अष्टम सॉरी 12वें हाउस का भी स्वामी मंगल है, तो व्यक्ति जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगा तो और वो यदि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो तो उसका इन्वेस्ट भी कई जगह उसका डूब सकता है। तो यहाँ पर मंगल यदि बैठता है तो मंगल का रत्न यहाँ पर नहीं पहनना है। तो इसकी रेमेडी के लिए मंगल ग्रह का जो मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह गोमाय नमः, ये मंत्र रोज अगर 108 बार जाप किया जाए और हर मंगलवार को गणपति के मंदिर में जाके गणपति को लाल फूल और दुर्गा चढ़ाए, उससे व्यक्ति को जो नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला होता है उस नेगेटिव इफेक्ट में ज़रूर कमी आएगी। यदि मंगल नव हाउस में सिंह राशि में आ जाए, ये भी उसकी मित्र राशि है, तो मित्र राशि में आने पर यहाँ पर पिता से अच्छा बनेगा, भाग्य साथ देगा और व्यक्ति धर्म को भी मानने वाला होगा, और यहाँ पर जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है। तो वो हिसाब से मंगल अपनी मित्र राशि में आता है तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो यहाँ पर भी मंगल का जो रत्न मूंगा पहना जा सकता है। यदि मंगल दशम हाउस में आ जाए तो यहाँ पर भी मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। व्यक्ति व्यक्ति के नेम फेम के लिए अच्छा होगा, व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर काफ़ी व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा अपने प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मूंगा पहना जा सकता है। यदि मंगल लाभ स्थान में शुक्र की राशि में यानी कि तुला राशि में आ जाए तो यहाँ से बैठकर यह पंचम भाव यानी कि जो कि उसका खुद का भाव उसको देखता है, तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग बन जाएगा। और यहाँ पर मंगल 12वें हाउस का स्वामी होकर के अपने घर से 12वें होकर के लाभ स्थान में बैठा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, खुद की गाड़ी होगी, खुद की भूमि प्लॉट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो यहाँ पर भी मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। थोड़ा मित्रों से जरूर सावधान रहना होगा, अदरवाइज यहाँ पर भी मूंगा पहना जा सकता है। यदि मंगल 12वें हाउस में आ जाए, 12वें हाउस यानी कि खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, तो पंचमेश और लग्नेश दोनों यदि 12वें हाउस में हो तो व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए भी विदेश जाएगा और विदेश जाकर सेटल भी उधर हो सकता है। तो अगर मंगल सुप्रभा में हुआ तो फॉरेन जा कर के व्यक्ति बरोबर सेट हो पाएगा, वहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रेस करेगा, लेकिन साथ में और पाप ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति लिटिगेशन कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि में उलझ सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मंगल यहाँ पर पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए तो ही व्यक्ति को अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर और पाप प्रभाव में है तो इन्वेस्टमेंट करते समय भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये था मित्रों धनु लग्न की कुंडली में मंगल का अलग अलग 12 भाव में क्या फल होता है और मंगल का रत्न मूंगा कब पहना जा सकता है, इसके बारे में आपने समझा। मित्रों यदि आपको भी कोई समस्या है, यदि आपको जन्म कुंडली दिखाना है, आपके घर दुकान
मकान बिल्डिंग इत्यादि का वास्तु चेक कराना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली डिस्कस करना है, कुंडली कंसल्ट करना है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर पुश कीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।